दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रहा हूँ पटेरिया जी, जो गढ़ाकूटा के पास है। ये सागर जिले में पड़ता है और आज हम चल के देखेंगे वहाँ पे कितनी प्राचीन मूर्ति हैं, क्या क्या खास है वहाँ पे, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं और खाने की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं। चलिए तो आप और मैं चलते हैं पटेरिया जी की ओर। चलिए दोस्तों, तो मैं आधी रास्ते आ चुका हूँ। बस कुछ टाइम में हम पटेरिया जी पहुँच जाएंगे। हम गढ़ाकूटा मैं एंटर कर चुके हैं। ये एक तहसील है, ये सागर ज़िले में पड़ता है। चलिए देखते हैं आज गढ़ाकूटा में प्रसिद्ध पटेरिया जी मंदिर कैसा है। चलिए अपन चलते हैं अपनी आगे की। दोस्तों, तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं पटेरिया जी के मंदिर में। ये इधर का एंट्रेंस है, ये छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है। चलिए देखते हैं अंदर का लुक। ये पटेरिया जी मंदिर का ट्रस्टी ऑफिस है, ये पूरा परिसर है, ये मंदिर जी है। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान जी की अतिशयकारी मूर्ति हैं ये, जो करीब 103 साल पुरानी है। ये महाराजा बुंदेला हरि सिंह जी के शासनकाल में विनोनिया वंश के दीपक द्वारा अपनी एक दिन की रुई का व्यापार का मुनाफा छोड़ के ये मंदिर जी का निर्माण कराया गया था। प्राचीन मूर्तियां हैं। मन्नत मांगने वाला स्तंभ बना हुआ है। घर पर लोग बोलते हैं इसको पकड़ के जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। चलिए, मैंने भी मन्नत मांग ली है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप भी मन्नत मांग लें। यहाँ कार पार्किंग का स्थल बनाया गया है। क्या बढ़िया पेड़ लगाए गए हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इधर पे ठहरने, खाना खाने की व्यवस्थाएं क्या हैं। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ ठहरने और भोजन की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी जब आप आएंगे यहाँ विज़िट करेंगे। काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो मुझे अभी मालूम चला कि यहाँ पर शादी विवाह हुई संपन्न होते हैं।
यहाँ पे एसी रूम्स भी बने हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं आपको यहाँ एसी रूम की भी सुविधाएं मिल जाएंगी। और चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो भोजन व्यवस्थाएं सारी बंद हैं। हाँ बट यहाँ पर भोजन के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाती हैं, आपको पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। यहाँ शादी विवाह भी होते हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा इन्हें पार्क बनाया हुआ है, काफ़ी बड़े जगह है। पर गिर रहा है पानी, अब यहाँ से निकलते हैं वापस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक देखने लायक जगह है। मुझे एक चीज़ और यहाँ आके मालूम चली, यहाँ हिंदू समाज के लिए भी पटेरिया जी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं हिंदू समाज के मंदिर पटेरिया जी, छोटी पटेरिया जी में, पुरानी पटेरिया जी में ब्लॉगिंग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा पुरानी पटेरिया जी कैसी लगती है देखने में। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।